हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपका SBI में अकाउंट है तो अगर आप चाहते हैं किसी और दूसरे ब्रांच में अकाउंट को ट्रांसफ़र करना तो आप इस वीडियो को कंप्लीट आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से पेपरलेस बताया जाएगा, कहीं पर कोई भी जगह पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, वहाँ पर आप अकाउंट ओपन करवाएं, आप चाहते हैं कि किसी दूसरे शहर किसी दूसरे ब्रांच में जो है मेरा अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाए, आज की वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहिए। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, वहीं पर सारा कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा। सेविंग अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए किसी और ब्रांच में, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है www.onlinesbi.com। ये टाइप करने के बाद आप सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुले। तो यहाँ पे जो है पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन का एक बटन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे यूजर नेम आपको इंटर कर देना है, उसके बाद पासवर्ड इंटर कर देना है, उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं यहाँ पर इंटर कर देना है, उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। ये जो है यूजर नेम और पासवर्ड बैंक के द्वारा मिलता है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने से भी इंटरनेट बैंकिंग बना सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख के बना सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे फटाफट यूजर नेम और पासवर्ड ये जो कैप्चा है इंटर कर देते हैं, उसके बाद लॉगिन बटन पर हम क्लिक कर देंगे। अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका पूरा डिटेल शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर एक 3 लाइन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर ई सर्विस का एक ऑप्शन है, आप क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे देखने को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफर फॉर सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे जो भी अकाउंट होगा तो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए प्लीज इंटर द ब्रांच कोड, तो यहाँ पे तो सेविंग अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए आपको जो है ब्रांच कोड पूछा जाता है। आप जिस भी जगह में अपना जो है अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं उस जगह का आप गूगल में नाम लिखेंगे, उसके बाद ब्रांच कोड आगे में लिख देंगे। लिखने के बाद आप जो है इसे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको गूगल बता देगा कि आपका जो है आप जिस भी जगह का आप चाहते हैं कि ब्रांच कोड, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम गूगल कर लिए हैं। तो ये मेरा ब्रांच कोड है 00114, तो ये खगड़िया का ब्रांच कोड है, मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आप यहां पे देखिए प्लीज़ इंटर द ब्रांच कोड, तो यहां पे आपको जो है जिस भी ब्रांच में आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करना है उस ब्रांच का आप अपना जो है ब्रांच कोड डाल देंगे। उसके बाद गेट ब्रांच के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक ब्रांच नाम आ जाएगा। उसके बाद यहां पे टर्म एंड कंडीशन पर के आपको एक्सेप्ट कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा तो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। भी ब्रांच का आपका नाम होगा पहले से तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। उसके बाद जिस भी ब्रांच में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो ब्रांच कोड, उसके बाद ब्रांच नाम, उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी मोड, तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा अकाउंट जो है किसी और ब्रांच में जो है ट्रांसफ़र हो जाए तो आपको कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना। तो कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक इंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा जो कि OTP के रूप में ही होता है। तो आपको यहाँ पे इंटर करके कंफर्म कर देना है। तो कंफर्म करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुल, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप ऊपर में देख सकते हैं जो भी आपका पहले से जहाँ पर था वो आपका यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद नीचे में जो आप ट्रांसफ़र किए हैं किसी और दूसरे ब्रांच में वो नीचे में आपका शो कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको
हिस्ट्री देखना है, अपना स्टेटस देखना है, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक ही आप इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। सो दोस्तों, आप इसी तरीके से किसी भी अकाउंट को जो है आप किसी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर कोई भी सवाल या सुझाव है इस वीडियो के रिकॉर्डिंग तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोई सवाल या सुझाव हमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।